नमस्कार, मैं हूं दिव्या, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई, दिन रविवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मिशन लक्ष्य को प्रभावी बनाने के शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी। गेहूं, चना और अरहर की अब व्यापारी नहीं कर सकेंगे जमाखोरी। सरकार ने प्रदेश में 2 SEZ बनाने पर दी सहमति। नीट काउंसलिंग के लिए MCC नई डेट की कर सकता है घोषणा। प्रीपेड और पोस्टपेड में टैरिफ बढ़ोतरी के बीच जियो के ये प्लान्स है धमाकेदार। लोगों ने धोनी को उनका जन्मदिन दिलाया याद, तो धोनी के जवाब का वायरल हो रहा है ये वीडियो। अब चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन नेवी में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर। इंडियन नेवी में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय नौसेना की तरफ से 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस भर्ती के तहत एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए 40 पद भरे जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पास किया हो, साथ ही कम से कम 70% को अंकों के साथ पास किया हो और अंग्रेजी में कम से कम 50% अंक आए हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। मिशन दक्ष को प्रभावी बनाने के शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी। सरकारी स्कूल में कमजोर बच्चों के लिए चलाए जा रहे मिशन दक्ष को और प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग नए सिरे से इसकी मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण करेगा, जिससे कमजोर बच्चों को इसका पूरा लाभ मिले, साथ ही बच्चे अच्छे परिणाम ला सके। मिशन दक्ष के तहत नई संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चों का चयन, विशेष कक्षा के संचालन से लेकर इसमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को की परीक्षा के संबंध में जरूरी प्रावधान किए जाने की तैयारी है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मिशन दक्ष में पढ़ रहे बच्चों की अलग से विशेष परीक्षा भी ली जाती है। अब इस परीक्षा का निर्धारण भी किया जा रहा है कि विशेष परीक्षा कब कब ली जाएगी। गेहूं, चना और अरहर की अब व्यापारी नहीं कर सकेंगे जमाखोरी। वैसे व्यापारी जो गेहूं, चना और अरहर की जमाखोरी करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई को लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि अपने स्टॉक की व्यापारी साप्ताहिक घोषणा करेंगे। व्यापारियों को इसकी घोषणा केंद्र सरकार के निर्धारित पोर्टल पर करनी है। विभाग के मुताबिक जो थोक व्यापारी होंगे वे 3,000 टन गेहूँ स्टॉक में रख सकेंगे। वहीं खुदरा और बिग चेन रिटेलर 10 टन गेहूँ स्टॉक में रख सकेंगे। वहीं प्रसंस्करण करने वाले मासिक क्षमता का 70% जमा कर सकेंगे। इसके अलावा दलहन में चना, दाल, अरहर और काबुली चना के स्टॉक की सीमा भी तय की गई है। तय सीमा के तहत प्रत्येक दाल 200 मीट्रिक टन थोक विक्रेताओं के लिए और 5 टन खुदरा विक्रेताओं को रखने की अनुमति दी गई है। नीट पेपर लीक मामले में पटना से गए 3 आरोपियों की आज दिल्ली में होगी पूछताछ। बीते दिन नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी सिकंदर, नीतीश और अमित आनंद को CBI पटना से दिल्ली लेकर गई है। अब दिल्ली में CBI की टीम तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। इसके अलावा 9 जुलाई को बेऊर जेल में पहले से बंद आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। CBI ने इससे पहले रुपए के ट्रांजेक्शन के आधार पर बंटी को गिरफ्तार किया था। बंटी उर्फ अमित पेपर लीक मामले में अभियुक्त अमन सिंह का चचेरा भाई है। इससे अभी मामले की पूछताछ जारी है। पेयजलापूर्ति से संबंधित शिकायत के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर करें संपर्क। प्रदेश सरकार हर घर नल का जल पहुंचा रही है, लेकिन यदि पेयजल आपूर्ति से संबंधित आपको किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज करवानी है, तो इस संबंध में IPRD ने जानकारी साझा की है, जिसके तहत हर घर नल का जल और चापाकलों की मरम्मत से संबंधित पेयजल आपूर्ति की शिकायत अब लोग व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 8544429024 पर मैसेज भेजना होगा। मैसेज के दौरान आप अपनी वार्ड संख्या, गांव का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, शिकायत का प्रचार, शिकायतकर्ता का नाम और शिकायतकर्ता का फोन नंबर लिखकर मैसेज करेंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800123111 पर संपर्क कर सकते हैं।
सरकार ने प्रदेश में दो ऐसी जेट बनाने पर दी सहमति। बिहार में जल्द ही पूंजी निवेश और औद्योगिक कवायद शुरू हो सकती है। दरअसल बिहार में दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी ऐसी जेट बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा इसकी अनुमति दी जा चुकी है। ये काम उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा की पहल से हुआ है। केंद्र सरकार ने नीतीश मिश्रा की ही मांग पर सर्वे करवाया था, जिससे प्रदेश में दो ऐसी जेट बनाने की तैयारी है। इस संबंध में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है। यदि आपको ऐसी जेट के बारे में नहीं पता है तो आपको बता दें कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से स्थापना किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी ऐसी जेट कहा जाता है। आज सख्त निगरानी के बीच सीटेट परीक्षा का होगा आयोजन। आज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा का आयोजन पटना के अलावे भागलपुर, बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण और वैशाली जिले में होने वाला है। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा, जिससे पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर के 2 बजे से शाम के 4:30 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले एक बार और ऑनलाइन तरीके से पेपर हुई थी, लेकिन पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी और अब परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन करवाया जा रहा है। इस परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और परीक्षा कदाचार मुक्त हो सके, इसके लिए हर केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। सभी केंद्र परीक्षा के 15 दिन बाद तक इस वीडियो को सुरक्षित रखेंगे। इस संबंध में सभी केंद्रों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लगातार बारिश में मेघ गर्जन के दौरान सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील। बिहार में बारिश अब लोगों के लिए जानलेवा साबित होती जा रही है। बिजली गिरने से प्रदेश में कई लोगों की जान चली गई है। लोगों को मेघ गर्जन के दौरान सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी जाती है। प्रदेश में आज भी अनेक जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं किशनगंज जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। किसी खास दिन पर बच्चों को मध्याह्न भोजन में मिलेंगे विशेष भोजन। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील में बदलाव की तैयारी की जा रही है। इस बदलाव के तहत मध्याह्न भोजन का जायका बढ़ाने के लिए विशेष अवसर पर विशेष खाना दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक मुखिया या दूसरे जनप्रतिनिधि के साथ सामाजिक संगठन बच्चों को विशेष खाना खिलाएंगे। विशेष खाना उन आयोजनों के दौरान मिल सकते हैं जिस दिन जनप्रतिनिधियों का जन्मदिन हो, राज्य स्थापना दिवस हो या राष्ट्रीय नायकों की जयंती हो। आसपास के स्कूलों में मुखिया या जनप्रतिनिधि मध्याह्न भोजन के दौरान विशेष खाने का इंतजाम करेंगे। स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक बच्चों को खाना परोसने से पहले खुद इसका स्वाद चखेंगे। सभी जिला शिक्षा कार्यालय को मध्याह्न भोजन निदेशालय ने पत्र भी लिखा है। प्रीपेड और पोस्ट पेड में टैरिफ बढ़ोतरी के बीच जियो के ये प्लान्स हैं धमाकेदार। अभी हाल में ही जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्ट पेड प्लान में टैरिफ बढ़ोतरी की घोषणा की थी। लेकिन कुछ ऐसे भी जियो के किफ़ायती प्लान्स हैं जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। इस किफ़ायती प्लान्स में आपको डेली 1 GB डेटा के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉल और डेली 100 SMS की सुविधा मिलेगी। साथ ही जियो सिनेमा, जियो टीवी और जियो क्लाउड्स की सुविधा भी मिलेगी। ये सभी सुविधाएँ आपको 149 रुपये के रिचार्ज प्लान के साथ मिलेंगे। इसकी वैलिडिटी आपको 14 दिनों की मिलेगी। वहीं आपको ये सुविधा यदि 18 दिन, 22 दिन और 28 दिन की वैलिडिटी के साथ चाहिए तो आप क्रमशः 179 रुपये, 209 रुपये और 249 रुपये का प्लान ट्राई कर सकते हैं। स्कूल के पठन पाठन को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयार किया ये फॉर्मूला। इन दिनों बिना कोई जानकारी दिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव औचक निरीक्षण के लिए स्कूलों में पहुंच रहे हैं। अब इसी निरीक्षण के दौरान स्कूल के पठन पाठन को दुरुस्त करने के लिए एस सिद्धार्थ ने एक नया फॉर्मूला अपनाया है। इस नए फॉर्मूले के जरिए शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं इसका पूरा हिसाब बच्चों के नोटबुक से मिल जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक एस सिद्धार्थ ने बच्चों की कॉपी चेक करने पर खास ध्यान देने को कहा है। निरीक्षण के लिए पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि पिछले दिन शिक्षकों ने क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, मानकों के मुताबिक बच्चों को शिक्षा दी जा रही है या नहीं। इस तरह से शिक्षक स्कूल में बेवजह की टाइम पास भी नहीं कर सकेंगे और बच्चों की कॉपी में यदि किसी तरह की गड़बड़ी मिलती है या मानक के मुताबिक अधिकारियों को लगता है कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है तो इस स्थिति में शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
कोसी बागमती अब खतरे के निशान से पहुंचे नीचे। कोसी बागमती के जलस्तर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल दो दिनों से उतार चढ़ाव जारी है और बीते दिन तो कोसी और बागमती खतरे के निशान से नीचे आ गई, लेकिन फिर भी दोनों नदियां रफ्तार में देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि 5 जुलाई को खतरे के निशान से ऊपर ही दोनों नदियों का बहाव हो रहा था। खगड़िया के बलतारा में कोसी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर थी। हालांकि खबर लिखे जाने तक अब जल स्तर में कमी देखने को मिली। 1 जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानून को लेकर वकीलों ने की ये मांग। राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा की अध्यक्षता में बिहार स्टेट बार काउंसिल की जनरल बॉडी की बैठक हुई। इस दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा भी मौजूद थे। बैठक के दौरान 1 जुलाई से लागू हुई भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम, भारतीय नागरिक संहिता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता अधिनियम का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान कहा गया कि पुराने औपनिवेशिक कानून के स्थान पर लाए गए नए उक्त कानून के बारे में वकीलों को भी सही तरीके से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। नीट काउंसलिंग के लिए एमसीसी नई डेट की कर सकता है घोषणा। 6 जुलाई से नीट यूजी एग्जाम में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा स्थगित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि इससे लेकर एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा कोई भी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। काउंसलिंग प्रक्रिया को याचिकाकर्ताओं द्वारा 2 दिनों के लिए रोकने का आग्रह किया गया था, क्योंकि नीट यूजी मामले में 8 जुलाई को अदालत सुनवाई करने वाला है। अब उम्मीद है कि नीट काउंसलिंग के लिए एमसीसी जल्द ही नई डेट की घोषणा करे। जानिए किन कारणों से के पाठक की रुकी है सैलरी। शिक्षा विभाग से तबादले के कुछ समय बाद ही के पाठक का तबादला 2 विभागों में हुआ। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनाती के दौरान ही नाराजगी की खबरों के बीच के पाठक ने छुट्टी ली थी, लेकिन अभी तक वे अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं। इस बार के पाठक का तबादला राजस्व पर्षद के पद पर किया गया है। खबर आ रही है कि पूरे जून गायब रहने की वजह से और भी अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने की वजह से के पाठक की सैलरी रोक दी गई है। ऐसा नए विभाग में सेवा नहीं देने के कारण किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर 2 वर्ष में सिविल एनक्लेव होगा तैयार। दरभंगा एयरपोर्ट पर अब नए सिविल एनक्लेव का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण 572 करोड़ की लागत से होगा। इसके निर्माण ठेका भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है। इसका निर्माण 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा डिजाइन भी तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक टर्मिनल भवन में 1 बेसमेंट भूतल और 2 ऊपरी मंजिलें होंगी। इसका निर्माण 59,222 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा और ये 5 एरो ब्रिज वाला टर्मिनल होगा, जिससे हर साल 30 लाख यात्री हवाई यात्रा कर सकते हैं। नालंदा में साइबर क्राइम को लेकर बड़ा खुलासा। नालंदा में साइबर अपराधियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल नालंदा के नूर सराय थाना क्षेत्र में मासिक वेतन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले फर्जी कंपनी और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल नालंदा के नूर सराय थाना क्षेत्र में मासिक वेतन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले फर्जी कंपनी और आरोपियों का नाम सामने आया है। इस थाना क्षेत्र के निवासी अनंत कुमार फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को मासिक वेतन का प्रलोभन देता था और ऐसा करके उसने करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी और कर ली थी और फरार हो गया। इस मामले में ठगी के शिकार हुए लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। वहीं पीड़ितों ने बताया है कि अनंत कुमार ने उनके प्रलोभन देते हुए कहा था कि इन्वेस्टमेंट करने पर सभी को मासिक भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अब वो पैसे लेकर फरार हो चुका है। लोकसभा चुनाव में सीटें कम मिलने की उपेंद्र कुशवाहा ने बताई वजह। लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीटें कम होने पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निचले यानी जमीनी स्तर पर आपसी समन्वय की कमी की वजह से एनडीए को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है। 2 दिनों तक आरएलएम प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सभी जिलों से ये जानकारी मिली है, इसलिए वे एनडीए में शामिल बीजेपी, जदयू और अन्य दलों के साथ चर्चा करेंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने दावा करते हुए कहा कि एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा और बिहार से फिर से सरकार बनाएगा। पुल टूटने के मामले को लेकर लालू प्रसाद ने कार्टून के जरिए कसा व्यंग। लालू प्रसाद यादव की छवि एक हास्य नेता के रूप में रही है। लालू यादव का अंदाज केवल उनके समर्थकों को ही नहीं बल्कि उनके विरोधियों को भी पसंद आता है। अभी बिहार में लगातार पुल गिरने का मामला सामने आया है। इस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है।
वहीं लालू प्रसाद यादव ने इस मामले को लेकर कार्टूनिस्ट किशोर मीना का बनाया हुआ कार्टून शेयर किया है, जिसे पढ़कर शायद आपकी भी हंसी ना रुके। लालू यादव ने जो पोस्ट शेयर किया है वो सीधे तौर पर राज्य सरकार को लेकर व्यंग है। ट्विटर पर शेयर किए गए इस पोस्ट में एक व्यक्ति स्कूटर से जा रहा है, आगे उसे रास्ते में नदी पार करने के लिए पुल नहीं दिख रहा। पुल नहीं दिखने के कारण व्यक्ति हक्का बक्का रह गया और पास खड़े व्यक्ति से पूछने लगा, इस नदी पर तो पुलिया थी। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि वो पुलिया तो बह गई, थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है कोई दूसरा भी बहकर आ जाए। जदयू प्रत्याशी के लिए वोट अपील करने गए सीएम नीतीश ने बीमा भारती पर साधा निशाना। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी के समर्थन में बीते दिन नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने राजद प्रत्याशी बीमा भारती पर जमकर निशाना साधा। सीएम नीतीश ने कहा, जो हमें छोड़कर जाता है उसका गड़बड़ हो जाता है, हमने जिसे लगातार विधायक बनाया वो सांसद बनने के लिए भाग गई, लेकिन लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाए। जिन लोगों को इज्जत दी वो चले गए, अब भाग गए तो जाने दीजिए। आगे सीएम नीतीश ने दावा करते हुए कहा कि रुपौली उपचुनाव में जदयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल की ही जीत होगी। लोगों ने धोनी को उनका जन्मदिन याद दिलाया तो धोनी के जवाब का वायरल हो रहा है वीडियो। आज पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी का जन्मदिन है। बीते शुक्रवार को धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के संगीत सेरेमनी में भाग लिया था। साथ में दोनों कपल बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। इस दौरान उन्हें उनका जन्मदिन याद दिलाया गया तो माही ने भी मजाकिया अंदाज में प्यारा सा जवाब दिया। आपको बता दें कि आज महेंद्र सिंह धोनी 43 साल के हो गए हैं। संगीत सिरमनी में कुछ लोगों ने माही को कहा, आपका जन्मदिन आ रहा है सर। इस पर धोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, गिफ्ट लेकर आना। इस पर सभी लोग हंसने लगे। धोनी का वीडियो अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आज एमएस धोनी के जन्मदिन पर आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1656 में सिखों के आठवें गुरु हरकृष्ण का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1758 में आधुनिक त्रावण कोर के निर्माता राजा मार्तंड वर्मा का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1896 में भारत में सिनेमा का प्रवेश हुआ था और मुंबई के वाटसन होटल में ल्यूमीर बंधुओं ने फिल्मों में पहली बार प्रदर्शन किया था। आज के दिन वर्ष 1948 में बहुउद्देशीय परियोजना के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। आज के दिन वर्ष 1981 में क्रिकेट के सफलतम खिलाड़ियों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1999 में परम वीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा देश की रक्षा के दौरान शहीद हुए थे। जीमेल के इस धमाकेदार फीचर से अब लंबे ईमेल को पढ़ने की नहीं होगी जरूरत। ईमेल हमारे सबसे जरूरी मेलिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। आपने ईमेल का प्रयोग कई जरूरी जगहों पर किया होगा, जैसे स्कूल, कॉलेज या ऑफिस और अन्य किसी जगह, जिस वजह से इस पर एक से एक जरूरी सूचना या जानकारी हम तक पहुँचती है। लेकिन कई बार ईमेल पर लंबे मैसेज को पढ़ना मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन अब आपको लंबे ईमेल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जीमेल एक नया फीचर लेकर आने वाला है जिसका नाम है AI पावर्ड समराइज, जो लंबे ईमेल पढ़ने से आपको बचाएगा। इसके जरिए आपको ईमेल की संक्षिप्त समरी मिल जाएगी। हालांकि ध्यान रखें कि ये फीचर विशेष रूप से पेमेंट करने वाले ग्राहकों के लिए ही। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे आम लोगों को भेजे जा रहे फर्जी ईमेल के बारे में। आम लोगों के पास दिल्ली पुलिस साइबर अपराध और आर्थिक अपराध केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो और साइबर सेल दिल्ली के नाम, हस्ताक्षर, मुहर और लोगों वाले फर्जी व धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजे जा रहे हैं। यदि आपके पास भी ऐसा ईमेल आता है तो सचेत रहें, ये ईमेल पूरी तरह से फर्जी है। इस फर्जी ईमेल में कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है, इसलिए इस तरह की खबरों से सावधान और सतर्क रहें। विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें। केंद्र सरकार इस दिन अपना पहला बजट करेगी पेश। केंद्र सरकार ने अपना पहला बजट पेश करने की तारीखों का ऐलान किया है। इस बार का केंद्रीय बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में पेश करेंगी। संसद सत्र का संचालन 22 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र समाप्त हो चुका है। इस दौरान कई नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण किया था। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक भी हुई थी, जहां राष्ट्रपति द्वारा सभा को संबोधित किया गया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है,
हाल ही में कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है अमेरिका। हाल ही में PEN पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विक्रम चंद्र, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी मेघना अहलावत। इसका सही उत्तर है अरुंधति रॉय। हाल ही में कहां भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है सूरत। इसका सही उत्तर है बेंगलोर। बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए है संथाली, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है भोजपुरी। इसका सही उत्तर है उर्दू। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1 जून 1857 को, ऑप्शन बी है 12 जून 1857 को, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 1857 को, ऑप्शन डी है 12 जुलाई 1857 को। इसका सही उत्तर है 12 जून 1857 को। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है चुन्नू कुमार शर्मा, राकेश मिश्रा, विकास दास, उमेश ऋषिदेव, राजीव कुमार, सचित कुमार, कुमारी तारा, मोतीलाल कुमार, मोहम्मद असगर कमाल, रवि कुमार राम, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, सुके पासवान, पंकज कुमार दास, मदन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक जमाखोरी करने वाले व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।